मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा न्यायपालिका के बारे में दिए गए बयान को लेकर कोटा में वकीलों द्वारा कार्य का बहिष्कार कर जताया विरोध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा न्यायपालिका के बारे में दिए गए बयान को लेकर कोटा में वकीलों ने आज कार्य का बहिष्कार कर आक्रोश जताया। अभिभाषक परिषद की ओर से वकीलों ने आज कोर्ट परिसर में रैली निकाली और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि बिना सबूत के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका और अधिवक्ताओं के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, जिसको लेकर वकीलों में आक्रोश व्याप्त है। आज कोटा के वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया। अशोक गहलोत मुर्दाबाद। कि वकील लोग पैसा लिखते हैं, पढ़ा कम साइन कर देता है, पूरी न्यायपालिका का अपमान किया है, पूरी जुडिशरी का अपमान किया है। अशोक गहलोत को निश्चित रूप से इसकी सजा दी जानी चाहिए, इसका अवमानना का। राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा न्यायपालिका और अधिवक्ता समुदाय पर बिना सबूत बिना आधार के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, इससे जनता में एक अधिवक्ता समुदाय और न्यायपालिका की छवि धूमिल हुई है। एक राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते, जिम्मेदार पद पर होने के नाते जिस तरह का बयान दिया गया है, उस बयान की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह भी निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आपने जो बयान दिया है, इसके लिए आप प्रयोग करें और भविष्य में इस तरह की बयानबाजी आपके द्वारा न्यायपालिका और अधिवक्ता समुदाय के ऊपर न तो की जाए न थोपी जाए।